देखिएगा, नाउ द अनदर क्वेश्चन इज इन ए गिवन फिगर, एक आपको फिगर दी हुई है, आर्क्स आर ड्रॉन, ये देखिए इधर सर, आर्क, वन आर्क, टू आर्क, थ्री आर्क, आर्क्स आर ड्रॉन लिखा है, टेकिंग व्हाट इज इट, ए से आपका ये कट हुआ है आर्क, बी से देखिए दिस आर्क वाज कट डाउन, एंड सी से देखो दिस आर्क वाज कट डाउन, आपका टू इंटरसेक्ट द साइड्स, इंटरसेक्ट साइड्स पे आपका बी सी को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए ए सी को ई पॉइंट पे कट कर रहा है, और ए बी को आपका नाम इस पे, और ये जितने भी है जो डी ई एफ देख रहे हैं आपका नाम, ये मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये आपका मिड पॉइंट्स हैं इसके ट्राइंगल्स के, याद रखिए। तो ये फिगर मैंने यहां बना दिया, देखिए इधर सर, ये देखो ए बी सी आपका नाम ड्रॉन, एंड आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज एन, देखिएगा इधर सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड अपना 10 सेंटीमीटर, ये देखो ये इसने गिवन दिया हुआ जी फॉर गिवन, और अपना थ्री आर्क्स आर ड्रॉन ऑन साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी डी कॉमा ई कॉमा एफ आर, आपका ये मिड पॉइंट्स है, ये मैंने कह रहा हूं ये क्वेश्चन की डिमांड है आपका, देखो क्वेश्चन कह रहा है डी ई आपका ना, देखो इसका मतलब देखो जब ये मिड पॉइंट है तो आपका ना लगती है बी डी इज इक्वल टू आपका देखो सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, तो 10 बाई 2 इज इक्वल टू आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो देखो ये 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, देखिए आपका नाम दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ये देखिए आपका नाम दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ नाउ ए सी बिल्कुल सिमिलरली करके, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो आपका देखो 5 सेंटीमीटर and this is also 5 centimeter because F is also the midpoint of AB, that's why BF is equal to AF which is half of AB, clear on you? अब आपका देखो बाकी everything is okay, no problem at all, ये जो बीच में 3 arcs से मिल करके आपका नाम MN, these are all 3 arcs, now here this area which you are looking we have to find out the area of this curve, पहले क्या था question में आपका ये था इन तीनों का area निकालना था, मैंने उसको बिल्कुल हटा करके आपका नाम मैंने इसको कर दिया क्योंकि वो एरिया बिल्कुल आराम से निकल जाता थ्री एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स का, तो वो मैंने आपका बिल्कुल हटा दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री एंगल्स आर हाफ ऑफ 60 डिग्री, तो आप सवाल को देख लीजिएगा आपके उसमें मैंने ये कर दिया उसमें ये 12, अब देखिए इधर देख रहे सर ना, देखो अब आपका क्या होगा ये आपका 5 5 5 मैंने आपको दिखा दिया इधर, तो आपका एक आपका सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर एंड ईच एंगल आपका देखो 60 डिग्री क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका देखो ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री इज इट क्लियर, इधर मोहतरम यहां देखिए तो ना देखो एरिया ऑफ आप चाहे तो अलग अलग निकाल लें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये कब निकलेगा जब थ्री सेक्टर्स को आप माइनस कर देंगे नाउ ट्राइंगल के एरिया में से, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू देखो area of an equilateral triangle minus area of three sectors here one sector two sector three sector, क्योंकि देखिए आपका ना equilateral triangle है तो ना देखो angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree each, सभी all the vertices will be of 60 degree, तो ना area of shaded portion is equal to देखो area of equilateral triangle का मतलब रूट थ्री बाई फोर, और आपका देखो इस साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर आप लिख दीजिएगा माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, तो देखो ये इधर देखिएगा थ्री इंटू ये एक्चुअली थ्री सेक्टर का मतलब थ्री इंटू आपका देखो ये एरिया एक मिनट एरिया ऑफ वन सेक्टर हुआ ये थ्री इंटू एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ थ्री सेक्टर तो थ्री इंटू थीटा बाई 360 सेंट्रल एंगल आपका थीटा और इंटू देखो पाई आर स्क्वायर, इज इट क्लियर, नाउ रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड इज आपका देखो 10 का स्क्वायर, ये देखिए माइनस 3 इंटू थीटा इज 60 बाई आपका देखो 360 इंटू पाई पाई 22 बाई 7 रख देते हैं हमें आर आपका देखो 5 का स्क्वायर, ये देखिए 5 तो ना रूट 3 ऊपर 4 इंटू ये छोटा नंबर है तो 10 10 है 100 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो उसको मत करना, जैसे इसको 10 इंटू 10 लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, वैसे छोटा है 4 से कट जाएगा लेकिन फिर भी ना माइनस देखो 60 से 60 6 6 से देखो 6 2 2 11 तो ना 11 देखिए
11 इंटू देखो ये आपका कितना होगा 11 इंटू देखो 25 और 27 देख लीजिएगा सर प्लीज देखो ये देखो मैंने इसको कट नहीं किया आपका देखो 10 इंटू 10 लिख दिया आपका देखो यहाँ से 66 आपका देखो फिर 3 2 जा कर दिया और 2 11 जा कर दिया देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है देखो ये 5 into 5 into 2 into 5 into 2 हो गए और देखो 5 into 5 हो गए देखो ये यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ मैं कि 5 into 5 को आप देखो कॉमन ले लो कॉमन 25 कहने का मतलब मेरा 25 के देखो आप देखो 100 हो गया और ये आपका तो 25 देखो आपने जब कॉमन ले लिया तो ना देखो दिस इज रूट 3/4 into 2 to the 4 हो गया देखो आप देख रहे हैं सर देखो ये आप समझ रहे हैं क्योंकि 20 आपका 4 से आपका देखो ये माइनस ये देखो 25 यहाँ बाहर आ गया तो देखो 11/7 हो गया सर इस 4 से ये 4 भी कर देखिए आप देख रहे हैं 5 और 5 बाहर आ गया 25 ये √3/4 हो गया तो ना देखो 25 और आपका देखो √3 1.732 और माइनस 11 को देखो 7 से जल्दी डिवाइड करो जल्दी जल्दी 11 को डिवाइड करो यार 11 को डिवाइड हां 1.47 सर चलो कोई बात नहीं इधर ले अभी एक मिनट एरिया ऑफ देखो शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू देखो ये 25 है देखो इसीलिए मैथ का मतलब टू मेक द लोएस्ट टू मेक द सिंपलेस्ट होता है इसीलिए देखो 10 को मैंने आता मैं 25 इंटू 4 भी लिख सकता था 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाता देखो लेकिन मैंने आपको भी कभी बड़ी बड़े फिगर में अगर आपको दिक्कत होती तो कॉमन लेकर के आपको इजी आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते देखो 25 दोनों में कॉमन आ गया √3/4 और 2 to the 4 बचाइए कैंसिल होगा देखिए इसमें से 5/5 बाहर आ गया देखो आप मैंने 25 तो देखो 25 ये बाहर मैंने 5 into 5 लिखा हुआ देखो आपको दिखा ये आपका देखो 11/7 आपका 1 point हो गया तो ना देखो ये 25 into ये 1.73 से आपका देखो 1.57 आप कह रहे हैं तो 13/7 is 6 आपका देखो ये 4 आ गया 4 6/5 was 1 देखो 0.16 आ गया 0.16 हो गया देखिए तो 25 6 ना आपका कितना होगा 150 और 25 1 25 आपका ना दिस इज 40 ओके तो आपका 4.00 आपका आ रहा जरा चेक कर लीजिएगा सेम है कहाँ आ रहा है इसको इसको अरे आप छोड़िए आपने 11 को 7 से डिवाइड किया 11 को 7 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 1.57 आ रहा तो अंकल जब 1.57 आ गया तो 1.73 बोल रहा हूँ मैं डेसिमल के लो 13 में से 7 गया 6 देखिए 6 13 में यहाँ 6 में से 5 गया 1 ये 0 आ गया तो ये आपका 0.16 आ गया सर 25 से 25 6 आपका कितना होगा 150 तो आपका जो 0 15 आपका 25 और 30/40 आपका 40 आ गया डेसिमल के तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने छोटे का एरिया आपका हो गया डेसिमल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये है